भी जब अंधेरे में भटक रहे जिंदगी, हंस भी जब अंधेरे में भटक रहे जिंदगी में, हैरानी बीत जाए दिन, हैरानी में बीत जाए दिन, पल पल सपने हो सके ना अपने, रुठ गए सारे सपने, सपने हो सके ना अपने, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, आज मिलो सुबह हमारे देश में अधिकांश तलाकशुदा मुस्लिम औरतें अपनी निरक्षरता और अज्ञानता की वजह से अक्सर प्रवंचना का शिकार होती है। हमारे देश की मुस्लिम औरतों को कानूनी शिक्षा देने की बात सबसे पहले सोची थी प्रौढ़ शिक्षाविद सत्यन मित्र ने, और उसी के फलस्वरूप अमीना और उस जैसी कितनी लड़कियों ने एक सहज जीवन जीने का सपना देखा और उनके जीवन में आई एक नई सुबह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अमीना, अशहदुल्लाह। ओ अमीना। जी अब्बू। ले ये बाजार का थैला रसोई में देके आ। तो अब्बू चाय पियोगे? अभी? अरे अभी तो थोड़ी देर में खाना खा के काम पे जाना है। तुम पियो तो मैं भी थोड़ी पी लूं। तेरी चाय पीने की इच्छा है यही ना, तो जाना अपनी माँ से बोल तेरे लिए कप चाय बना देगी। वो मैंने कितनी बार कहा है, अम्मी कहती है लड़कियों को ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। अच्छा अब्बू, लड़कियों ज्यादा चाय पिए तो क्या होता है? होगा क्या, कुछ भी नहीं। बाप बेटी में बहुत देर से बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं? सुनो। जानती हो दादी अम्मा, अम्मा खाली कहती है लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़के सब कर सकते हैं। क्यों, लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती? सुनो बिटिया की बातें। अरे लड़का और लड़की क्या एक होते हैं। क्यों रे अमीना, अरे वो थैला नहीं दे जाएगी क्या? खाना नहीं बनाना मुझे? आई अम्मी। मुझे एक कप चाय देना। तो हाँ देती हूँ। अम्मी ये लो बाजार। अम्मी जान खाना दो, स्कूल जाना होगा। कहाँ मडरगस्ती कर रहे थे, लिखने पढ़ने का नाम ही नहीं। आज सुबह ही तो मैंने पढ़ा। हाँ खूब पढ़े हो, जाओ गुसल कर लो जल्दी। वाह ये तस्वीर तो बड़ी सुंदर है। ए रशीद ये तस्वीर किसकी है? रे तू फिर मेरी किताबों को छेड़ रही है। छेड़ खा रही हूँ, मैं तो तस्वीरें देख रही हूँ। तस्वीर देखती हूँ? मैंने ये तस्वीर नहीं देखनी होगी, जब भाग तो यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्या करेगा तू? अम्मी देखो ना, रजीना मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही है। नहीं अम्मी मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो तस्वीरें देख रही हूँ। अच्छा तुम दोनों क्या एक दिन भी लड़ाई किए बगैर रह नहीं सकते? ए रजीना वहाँ से उठ, जा बरामदे में झाड़ू दे। तुम वैसे उसे डांट रही हो माँ, उसने तो कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठ के तस्वीर देख रही थी। तुम्हें उसकी सफाई नहीं देनी होगी। सफाई कैसी, लड़कियों को तस्वीरें देखना भी मना है?
इस लड़की को लेकर नहा नहीं जाता, हर वक्त यही सवाल क्या क्यों? अरे तुम चुप रहोगी, घर में भी जरा चैन नहीं मिलता। मुझे चुप रहने को क्यों कहते हो, अपनी लाडली बेटी को बोलो। आजकल सही बात बोलने पर तुम नाराज हो जाती हो क्या? मुझे सही बात तू सिखाती है? चुप रहोगी तुम? अम्मी आपा को दवाई दी है? सब कुछ क्या मुझे ही याद रखना पड़ेगा? घर में और लोग नहीं है क्या? मैंने क्या ऐसा कहा है? मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। खूब तकलीफ हो रही है बेटी? नहीं दादी, तकलीफ कैसी? बुखार अब नहीं है, अपू दवा ले लो। अम्मी के साथ फिर झगड़ा कर रही थी ना? नहीं अप्पू, मैंने कुछ नहीं कहा। अम्मा हर वक्त कहती है लड़कियां ये ना करे वो ना करे, और ये सुनते ही मेरा पारा चढ़ जाता है। तुम ही कहो, लड़कियों में ही सब बुराई है। लड़कियों की जिंदगी बड़ी दुख भरी है बेटी, तेरी माँ को भी सहनी पड़ी, मुझे भी, तुझे भी सहना होगा। तुमने सहा इसीलिए दुख पाया, मैं सहने को राजी नहीं। ये तो रिवाज है री। नहीं, मैं ये सब नहीं मानती। अप्पू, तुमने सब कुछ मुंह बंद कर सह लिया, इसीलिए दुलाभा ने बड़ी आसानी से तलाक दिया। मैं होती तो देखती। क्या करती, रोक पाती? रोक पाती मेरा तलाक? नहीं, वो शायद कर नहीं पाती, पर अब्बू ने दहेज में जो रुपए और गहने दिए थे वो सब मैं जरूर वापस ले आती। तू कुछ नहीं कर पाती रे, कुछ करने का नहीं था। मैं इतनी आसानी से छुटकारा नहीं देती, कुछ सबक जरूर सिखा कर आती। हर कोई सब कुछ नहीं मान लेता है। इस लड़की की बातें सुन सुन कर मुझे न जाने क्यों डर लग रहा है। क्यों दादी, मैंने क्या गलत कहा? ना, तुम्हारी बातें सब सच हैं, पर जैसे तू कर पाएगी, तू ही कर पाएगी। अरे रेशमी अप्पा, इतने दिन बाद आए। खैरियत तो है री? हाँ, और तुम? अच्छी हूँ। आपा कहाँ है री? उधर कमरे में, जाओ ना। किसके साथ बातें कर रही है रेजीना? अरे रेशमी, तू क्या बात है इतने दिनों के बाद? चल, तुझसे बात ही नहीं करूंगी। हंसती क्यों है? तू ना देखने में और सुंदर लग रही है। धत, ए रेशमी, ये सलवार नई है। कैसी हुई है बोल? तुझे बहुत पसंद है ये सलवार, ना अपने हाथों से बनाई है। खुद कैसे? हमारा साक्षरता केंद्र है ना, वहीं सिलाई सिखाते हैं। साक्षरता केंद्र? अरे बाबा, तू जैसे आसमान से गिर पड़ी। अरे बाबा, बंद कारखाने के पास जो क्लब रूम है ना, वहीं तो हम लिखना पढ़ना सीखते हैं। तू इतनी बड़ी लड़की स्कूल जाती है? स्कूल क्यों, बोला ना साक्षरता केंद्र, सब बड़ी लड़कियां वहाँ पढ़ना लिखना सीखने जाती हैं। तू लिखना पढ़ना सीखती है, तेरे अब्बू राजी हो गए? पहले क्या राजी हुए थे? मैंने जोर किया था, जिद की थी, तब जाके अब्बा को राजी कर पाए। जानती है अमीना, हमारे साक्षरता केंद्र में सिलाई सिखाते हैं, कई तरह की कटिंग सिखाते हैं, वहीं से सीखकर ही तो ये सलवार बनाई है मैंने। क्या हुआ, क्यों हैरानी से क्या देख रही है? रश्मि, तेरे साक्षरता केंद्र में
मुझे भर्ती करा देगी? ऐसी क्या बात है, तू जिस दिन कहेगी उसी दिन तुझे ले जाऊंगी। साक्षरता केंद्र में ना पढ़ने से कोई पैसा नहीं लगता और किताब विताब वही देते हैं। जानती है रशीदा, हमीदा, आयशा सभी तो वही पढ़ने जाती हैं। और भी बड़ी लड़कियां जाती हैं। तू वहाँ जाएगी ना, खूब अच्छा लगेगा। हाँ मैं भी जाऊंगी, पहले घर वालों को राजी करा लूं, फिर रशीद को भेजकर खबर कर दूंगी। हाँ वही ठीक है, आज मैं चलूं? ठीक है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, हमारे घर की लड़की बाहर पढ़ने जाए ना। देखो हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ, तू भी नहीं जाएगी। कोई नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊं? क्यों अब्बू, सब क्या पहले जैसा ही है, कुछ भी बदला नहीं? तुम्हें बहस करने की जरूरत नहीं है, इस घर से कोई बाहर पढ़ने नहीं गई, तुम भी नहीं जाओगी बस। और पढ़ लिख कर क्या तुम्हारे दो पढ़ निकल आएंगे? इस घर में पहले बहुत कुछ नहीं होता था लेकिन अब तो होता है। मतलब? दादी से ही पूछ लो ना, दादा जान के मुंह के ऊपर कुछ कहने की हिम्मत थी क्या? और तुम तो हरदम अब्बू के मुंह लगती हो। सुनी तुमने बेटे की बातें? शह पाकर ये सर पर चढ़ गई है। सच बात बोलने से तुम्हें गुस्सा आता है अम्मी? अच्छा अगर मैं लिखना पढ़ना सीखूं, यहाँ किसी का क्या बिगड़ता है? और फिर तो कितनी ही लड़कियां साक्षरता केंद्र में जाकर लिखना पढ़ना सीखती है, वहां पर टेलरिंग का काम भी सिखाया जाता है। अगर मैं घर पर बैठकर कपड़े सीकर रोजगार करूं तो घर का भी कुछ भला होगा। ओ अब्बू तुम ही अम्मी को समझाओ ना। हाँ रे सुलेमान, बिटिया जब जिद कर रही है तो करा देना उसे स्कूल में भर्ती। आप क्या कह रहे हैं अम्मी? आहा तुम क्यों नाराज होती हो बहू, जैसे दिन चल रहे हैं और फिर जैसे लिखना पढ़ना सब सीखने जाते हैं तो इसका क्या कसूर है? तू क्या कहता है सुलेमान? अम्मा तुम जब कह रही हो तो चाहे। दादी तुम हो बड़ी अच्छी। बहुत अच्छी। रिजीना, ए रिजीना, आपा कहाँ है रे? आपा अंदर कमरे में है। ये क्या है? ठहर जा बोलती हूँ। आपा जरा बाहर आना। क्या रे क्या हुआ? देखो तो कैसी बनी है। अल्लाह बहुत बढ़िया, मैंने साक्षरता केंद्र में तुम्हारे लिए बनाई है। सच? कितनी बढ़िया कमीज है रे, अमीना ने अपने हाथों मेरे लिए बनाई है। अप्पू मेरे लिए एक बना दोगी तुम? हाँ तेरे लिए बनाऊंगी, अम्मी के लिए ब्लाउज बनाऊंगी, अब्बू और रशीद के लिए शर्ट बनाऊंगी। और एक टोपी बना देगी मेरे लिए? हाँ। क्यों रे छोकरी, मेरे लिए कुछ भी नहीं। नहीं दादी तुम्हें कैसे भूलूं, तुम्हें भला मैं भूल सकती हूँ क्या? तुम्हारे लिए मैं लेस वाली शमीज बनाऊंगी। बनाएगी तो, बना कर देगी तो। देखो अम्मा अपी ने बड़ियापा के लिए क्या बनाया है, इसके बाद मेरे लिए भी बनाएगी। सुभान अल्लाह, क्यों रे अमीना इसे तूने खुद बनाया है? तुम भी अम्मा, वो नहीं तो और कौन, देखो इसे ठीक से। देखा तो, तुम बेटी को लिखने पढ़ने नहीं भेज रही थी, लिखना पढ़ना सीख के क्या होता है ये अब देखो। जानते हो अब्बू हमारे यहाँ लीगल लिटरेसी शुरू होगी। वो क्या होता है रे? यानी कि लड़कियां कानूनन क्या सहूलियत वगैरह पा सकती है उस बारे में एक वकील हमें बताएंगे। सत्यन मैत्र नाम के एक शख्स सारी जिंदगी साक्षरता के लिए काम किया है, उन्होंने ही इसका बंदोबस्त किया है। जानते हो अब्बू हिंदुस्तान में ये सिखाने का काम हमारे यहाँ ही पहली बार शुरू हो रहा है। बाबा तू इतने ही दिनों में कितना कुछ सीख गई रे। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों जी अपनी बिटिया के काम से तुम खुश हो ना? अच्छा होने से ही अच्छा है। आज हम हमारे साक्षरता केंद्र में कानूनी शिक्षा पाठ के शुरुआत में बता दें, आज हमारे बीच अब्दुल खान साहब आए हैं, वे एक नामी वकील हैं। लड़कियां खासतौर से मुस्लिम लड़कियां कानून के हिसाब से क्या सहूलियत पा सकती हैं इस बारे में वे कुछ कहेंगे।
बोलिए खान साहब। आज हम मुस्लिम लड़कियों की शादी के बारे में यहाँ कुछ कहेंगे। मुस्लिम लड़कियों की शादी में आम तौर से जहाँ तालीम नहीं है, देखा गया है लड़कियां कई तरह से महरूम रहती हैं। इस्लाम में कहा गया है हर एक शादी में मियां और बीबी दोनों ही समझौते पे दस्तखत करते हैं। ये समझौता हुआ निकाहनामा। इस निकाहनामा में लिखा रहता है कि लड़की के तरफ से जो सारा सामान वगैरह, जैसे सोना गहना, यहाँ तक के कितने रुपए दिए गए, वो भी निकाहनामा में लिखा रहता है। मर्द यदि औरत को तलाक देगा तब वो सारा सामान जो शादी में दिया गया था निकाहनामे के मुताबिक, वो सब सामान वगैरह बीबी को लौटाने के लिए कानूनन मजबूर है। वकील साहब, हमारे दूल्हा भाई ने बिना वजह आपा को तलाक दिया है। हमारे अब्बा ने आपा की शादी में 5,000 रुपए नगद और कुछ गहने दिए थे, उन्होंने कुछ नहीं लौटाया है, हम क्या वो वापस पा सकते हैं? तुम्हारे आपा के शादी के वक्त निकाहनामा में क्या ये सब लिखा गया था, यानी समझौते पर दस्तखत हुए थे? नहीं वकील साहब। तब तो वो रुपए और गहने वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है। वकील साहब, हमारी फूफी की शादी के वक्त तो समझौते में सब लिखा था, लेकिन तलाक देने के बाद तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं लौटाया। समझौते पर दस्तखत हो तो उन्हें सब लौटाना होगा। तुम लोग यदि कोर्ट में केस करो तो सब कुछ वापस मिलेगा। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, वाह। अच्छा बेटी, क्या तुमने अपने हाथों से बनाया है? लड़की हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। अच्छा अच्छा, सिलाई कढ़ाई खाना बनाना सब जानती है। क्यों नसीर, तुझे कुछ कहना है? आप जो भी मुनासिब समझें। यहाँ रखो, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा नाश्ता कर लें। अब इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, मेहमान हैं। ना 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 ना, कुछ तो लीजिए। अच्छा ठीक है। अब बेटी तू अंदर जा। लीजिए। अब लेन देन की बात कर लें। वो सब बाद में होगा सुलेमान साहब, पहले घर लौट के जरा बातचीत तो कर लें, उसके बाद तो लेन देन। इसके लिए शादी तो नहीं रुकेगी। अच्छा, उसके बाद फिर एक दिन आकर शादी का दिन ठीक कर लेंगे। जरा जल्दी करना बेटा, ताकि मैं जिंदा रहते ही इसकी शादी की दावत खा सकूं। आपके न रहने से तो शादी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। रेशमी ना जाने कहाँ चली गई? है कहीं आसपास? क्यों, मेरे साथ तुम्हें डर लग रहा है? नहीं वो नहीं। बैठो। असल में घर में जाने से तुमसे कुछ बातें करनी है। बोली। अब्बा ने कहा तुम सबको पसंद आई। और आपको? पसंद ना होती तो इतनी दूर से मिलने चला आता। दरअसल एक बात मुझे खटक रही है, जानती हो? तुमसे किसी ने नहीं पूछा कि तुमने मुझे पसंद किया कि नहीं। ना पसंद होते तो क्या मैं भी इतनी दूर आती? चलिए अब उठे, आपको तो यही सब बातें करनी थी। थोड़ी देर और बैठ जाओ ना। नहीं, अम्मी फिक्र करेंगी। आप हमारे यहाँ कब आ रहे हैं? लेन देन की बातें करने। मेरी एक ही ख्वाहिश है। क्या? सिर्फ तुम। मेरी भी एक अर्ज है। क्या, कह डालो बेगम साहिबा। शादी के बाद मैं पढ़ाई चालू रखना चाहती हूँ। ओ ये बात है तो मंजूर है।
आइए 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 आइए। उफ, इतना सब खिला दिया आपने, अब घर लौटे तो जान बचे। नहीं नहीं, ऐसा आपने क्या खाया? ना ना। हाँ लीजिए। तो अब काम की बात कर लें। हाँ वो तो है ही, शादी में पलंग बिस्तर अलमारी तो देंगे ही। हाँ। लड़के को अंगूठी बटन वगैरह, लड़की को चूड़ी कंगन झुमका टिकली तो है ही, और 10,000 रुपए ये तो आप अपनी लड़की को ही दे रहे हैं। करूं चुप, अब मैं चुप रहा। क्या करेगी बता, सभी हमारा नसीब है, अच्छा घर देखकर ही तो तेरी शादी कराई थी। सच मानो मेरी कोई खाता नहीं थी अम्मी, मेरी कोई खाता नहीं। आपा तुम्हारे गहने कहाँ हैं? सब छीन लिए, सब छीन कर मुझे भगा दिया। तलाक के बाद और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लेन देन की जो बातें हुई हैं, वो सब निकाह नामे में लिखी रहेंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। ये क्या कह रही है अमीना? मैं ठीक ही कह रही हूं अब्बा, हमारे शादी के रिवाज में है, शादी के मामले में जो भी बातें होगी सब कुछ निकाह नामे में लिखी जाएंगी, और दोनों तरफ के दस्तखत भी होंगे। मैं सिर्फ कानूनी बातें कह रही हूं, और ऐसा ना होने पर मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे तुम माफ करना। अब तो फिर चलूं, अब बाद में आपको खबर कर दूंगा। इस लड़की को लेके मैं क्या करूं? अब अगर वो राजी ना हुए, लड़के का अच्छा कारोबार है, ऐसा लड़का अगर हाथ से निकल गया तो? निकल जाने दो, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? माँ होने पर समझेगी माँ की तकलीफ। एक तो उन लोगों ने जोहरा को तलाक दिया, अब अगर तेरी शादी भी नहीं हुई, मैं ये सोच ही नहीं सकती। देखो अम्मा, मैं आपा की तरह धोखा नहीं खा सकती। वो लोग अगर सचमुच मुझे पसंद करते हैं, मेरी बात वो लोग जरूर मानेंगे, और अगर ना माने तब समझना उनके इरादे नेक नहीं है। जो सामान तुम लोग मुझे दोगे सब वो हथिया लेंगे। ठीक ही तो है अमीना, गलत तो कुछ भी नहीं कह रही है बहू। जोहरा के बारे में सोचो, सब अपना बुरा भला समझने लगे हैं, जमाना बदल गया है। बोलो दादी, तुम ही बोलो, कितने रोज हम लोग ऐसे रहेंगे?
अच्छा हुआ मैं साक्षरता केंद्र में लिखने पढ़ने गई थी, वही तो मैंने जानी ये सब कायदे कानूनों की बातें। और अगर अब मेरी जिंदगी भर शादी नहीं हुई, परवाह नहीं, मैं अब कपड़े सीना सीख गई हूँ, अब अपना गुजारा खुद कर पाऊंगी। अरे सुनो, कहाँ गए सब? सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कहूंगा माँ, सब कहूंगा, सब कहूंगा। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ये मिठाई संभालो, पहले सबको दो, सबको। क्या बात है, ये बेवक्त मिठाई क्यों लाए हो? बेवक्त नहीं, खबर है, बहुत अच्छी खबर है। कैसी खबर? वो लोग माने नसीर ने अमीना की सारी बातें मान ली है। अच्छा? कहता है उसने जो जो कहा है निकाहनामा में सब लिखा रहेगा। रशीद कहाँ गया? अरे बहन की शादी है। क्या कहते हो, सचमुच राजी हो गए? और क्या कहता हूँ, पर हाँ नसीर के अब्बा पहले राजी नहीं थे, नसीर ही जिद करने लगा, बोला उस लड़की के सिवा शादी ही नहीं करूंगा। उसे कहा, जानती हो, जो लड़की ऐसी बातें करती है वो लड़की सख्ती से घर बार को भी संभाल लेगी। क्यों रे बेटी, तेरे दुल्हा ने तो तुझे अभी से दिल में बसा लिया। तारी बच्चा तुम भी। क्यों रे रेजीना, तस्वीरें दिख रही है? हाँ अबू, नए दूल्हा भैया ना बहुत अच्छे हैं। कैसे जान गए? वाह, अबू ने ही तो कहा, तुम्हारी साफ बातें कैसे मान ली हैं? मानते कैसे नहीं, मैंने तो नाजायज कुछ नहीं कहा। अपा एक बात कहूँ? बोल। अबू से कहना मैं भी पढ़ाई सीखूंगी तुम्हारी तरह वो साक्षरता केंद्र में। हाय अल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अबू से कहकर मैं जरूर राजी करवाऊंगी। सच? हाँ सच। और सुन, इन किताबों को तू ही रख ले। ये सब मुझे दे देने से तुम कैसे पढ़ोगी? तेरे नए दूल्हा भाई मुझे फिर से खरीद देंगे। सच अपा, तुम बहुत अच्छी हो। जब अंधेरे में भटक रहे जिंदगी, है सभी जब अंधेरे में भटक रहे जिंदगी में, हैरानी में बीत जाए दिन।